أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته ودخل الجنة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم علمني الكتاب والحساب اللهم ذكرني منهما نسيت وعلمني منهما جهلت اللهم خذ بيدك मेरे बच्चों आज हम लोग फिजिक्स 9 क्लास चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर नंबर 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं और चैप्टर का नाम है डायनामिक्स। आज के इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे जी, हमने जो पीछे रिलेशनशिप पढ़ा फोर्स और चेंज इन मोमेंटम का, उस रिलेशन पे हमारी प्रीवियस लेक्चर में बातचीत चल रही थी और मैंने आपको बताया था कि अब अगर एक छत से आप छलांग लगाते हैं और नीचे रेत पड़ी हुई है तो आपको चोट कम लगती है और अगर नीचे फर्श हो तो चोट ज्यादा लगती है। तो बेटा जो रेत है ना, रेत जब आप इस पे गिरते हैं तो ये दब जाती है और दब कर बॉडी को रोकने का टाइम इंक्रीज कर देती है। तो अगर बॉडी को रोकने का टाइम ज्यादा होगा, समझ आया नहीं यार, तो फिर इस लॉ के मुताबिक डेल्टा पी बाई टी की जो वैल्यू आएगी, जो कि फोर्स है, जो कि चेंज इन मोमेंटम आ रहा है ना, तो फाइनल इलास्टिसिटी तो मैक्सिमम होगी, सॉरी इनिशियल इलास्टिसिटी तो आपकी 100 है, फाइनल अब क्या होगी 0, रुकना ही ना उसने अखीर पे मीटर पर सेकेंड। तो बेटा इस मैक्सिमम इलास्टिसिटी को 0 तक ले जाने के लिए रेत जो है वो ज्यादा वक्त लेती है, लेकिन फर्श क्या करता है, वो बॉडी की इलास्टिसिटी को 0 करने के लिए दबता नहीं है, टाइम टू चेंज द इलास्टिसिटी जो है वो कोशिश करता मिनिमम हो, वो बॉडी को फौरन रोक देता है। तो उसका नतीजा क्या निकलता है, जब टाइम कम होगा फोर्स ज्यादा चाहिए होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। देखो यहां पे भी वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकंड चेंज करनी थी, यहां पे भी तो डेल्टा बी कांस्टेंट है ना, तो फोर्स असल में टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर आप बॉडी की वेलोसिटी को डिक्रीज करने में वक्त आपको कम चाहिए, कम वक्त है, तो फिर फोर्स ज्यादा लगेगी, और अगर फोर्स अगर टाइम ज्यादा है तो फिर फोर्स कम लगेगी। तो रेत दबती है और बॉडी को रोकने के वक्त को बढ़ा देती है, जिससे जो रेत बॉडी की मोशन को अपोज करने में फोर्स लगाती है वो कम लगती है। इसी तरह आप रुई पे छलांग मारते हैं फिर भी ये कुछ होता है, इसी तरह आप लोगों ने पानी पे तो क्या होता है, पानी डिफॉर्म होता है, आपको आहिस्ता आहिस्ता रोकता है, आपने रुकने का आपके रुकने का टाइम बढ़ा देता है, ऐसा ही है ना। तो फिर अगर कितनी ऊंची से आप पानी में छलांग मारते हैं कुछ नहीं होती, वजह क्या है कि पानी जो है वो आपकी वेलोसिटी को डिक्रीज करने में, जीरो करने में जो वक्त लेता है वो ज्यादा लेता है, बनिस्बत किसके, रेत के, बनिस्बत किसके, फर्श के। बात समझ आ रही है नहीं आ रही, कभी भूसे पे छलांग मारिए, भूसे पे, भूसा देखा तो क्या होता है, बहुत नरम होता है, अभी दबता और आपके वेलोसिटी के डिक्रीज होने के टाइम को इंक्रीज कर देता है, अपने शेप में चेंज लाकर, जैसे आप उससे टकराते हैं तो आपको रोकना शुरू करता है, लेकिन आप नीचे जा रहे हो वो दबता है, समझ आया नहीं आप।
तो आपकी वेलोसिटी मजीद कम होते 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 आखिरकार जीरो हो जाती है, तो आपकी वेलोसिटी को जीरो करने में कुछ ज्यादा टाइम लेता है दबकर। और अगर वो ना दबे और आपको फौरन ही रोक दे तो रुकने में बहुत ही कम वक्त लगेगा, और जब कम वक्त लगेगा तो फोर्स तो टाइम के देखो ना डिनोमिनेटर में अगर टाइम कम हो तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये सारी वैल्यू किसके बराबर है, फोर्स के बराबर है, समझ आया नहीं है, तो फोर्स बढ़ जाएगी। इसी तरह आप लोगों ने देखा होगा आपके बर्तन या कश्मीर से अंडे लाने हों आपने, ठीक है, तो क्या करेंगे, तो ये बात कौन सी पेटी में भूसा, तो ये सब क्या करते हैं, एक बर्तन के अंदर डालते हैं भूसा, जिसको हम अपनी जुबान में तुड़ी कहते हैं, और आप को कहते हो, तो इसके अंदर वो डाल के, ठीक है, आप अंडे डालते हैं यहां वो डाल के, अंडे डालने के बाद फिर ऊपर वो डाल देते हैं तुड़ी, नीचे भी तुड़ी, ऊपर भी तुड़ी, इधर भी तुड़ी, इधर भी तुड़ी, अगर आपको भूसा ना मिले यहां दरम्यान में अंडे पड़े होते, ऊपर से चोट लगेगी फिर भी असर नहीं होगा, नीचे से चोट लगेगी फिर भी, दाएं से बाएं से, फिर या क्या करते हैं आटा लेकर ना, आटे का पता नहीं बंदा, तो क्या करते हैं पहले थोड़ा सा आटा डालते हैं फिर अंडे डालते हैं फिर उनके ऊपर और आटा डाल देते, इससे क्या होता है अंडे अंदर पैक हो जाते हैं तो वो नहीं टूटते, बात समझ आई, वो क्या चीज है जो इन अंडों को टूटने नहीं देती, जैसे ही बेटे टक्कर होती है ना तो अंडे डायरेक्ट जाके दीवार के साथ नहीं टकराते, अंडे किससे टकराते हैं आटे के साथ, और आटा वहां से दब जाता है और अंडे को रोकने का टाइम इंक्रीज कर देता है, अंडा नहीं टूटता, अंडे पे कम फोर्स लगती है, और अगर अंडा डायरेक्ट इसकी दीवार के साथ टकरा जाए तो टूट जाएगा, समझ आया नहीं है। इसी तरह इधर भूसा पड़ा हुआ, जैसे झटका लगेगा अंडा इधर को मूव करेगा तो यहां से भूसा दब जाएगा और अंडे के रुकने का टाइम बढ़ा देगा, बात समझ आ रही है। अब अगर आपको एक फोम का डंडा दे दिया जाए और एक लकड़ी का डंडा जो है वो दे दिया जाए और आप किसी को मारे, बताए फोम का डंडा ज्यादा लगेगा या लकड़ी का, वजह हाजी साहब क्यों, सख्त होता है तो इसका मतलब जब ये किसी बॉडी पे लगता है तो ये दबता नहीं है, तो फौरन से इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, इसकी वेलोसिटी जीरो होने में बहुत कम वक्त लगता है, जब वेलोसिटी को डिक्रीज करने में बहुत कम टाइम दोगे तो चोट ज्यादा आएगी, समझ आया। इसी तरह फॉर्म का डंडा जब आपके बॉडी के साथ जाकर टच होगा तो वो दब जाएगा और रुकने में ज्यादा वक्त लेगा, तो जो फोर्स आप पे लगेगी वो क्या होगी, कम होगी ना, के डेल्टा पी बाय टी फोर्स है। डंडा जब आपको मारा जाता है तो उसका एक मोमेंटम होता है मोशन की वजह से, एक डंडे का मास भी और दूसरा उसकी वेलोसिटी भी है, तो उन दोनों की वजह से उसके अंदर एक मोमेंटम होता है, क्वांटिटी ऑफ मोशन होती है। अब जब वो जीरो होगी तो कुछ वक्त तो लगेगा, अगर मोमेंटम को जीरो होने में कम वक्त लगे तो फोर्स क्या लगेगी, समझ आया ना, डायरेक्ट बॉडी को टच हो जाए तो फिर ज्यादा फोर्स लगेगी, अगर पहले पैंट्स तीन चार पैंट्स पहनी हो तो पहले तीन चार पैंट्स तक फोर्स लगेगी फिर आप तक पहुंचेगी, तो फिर असर क्या होता है, कम होता है। ऐसे ही सिमिलरली हेलमेट पहनते हैं ना हम लोग, तो हेलमेट के अंदर फोम होता है, जब टक्कर होती है तो पहले वो फोम दबता है और फिर वो चोट हम तक पहुंचती है, तो इसकी वजह से हमारी बचत हो जाती है, सर पे चोटें नहीं आती, सीरियस इंजरीज नहीं होती। इसी तरह जो सीट बेल्ट है, समझ आया, सीट बेल्ट है, आपको पता है गाड़ियों की जो सीट होती है उसके पीछे सर को सपोर्ट देने के लिए भी एक गद्दी सी होती है, पहले पहले गाड़ियों में वो नहीं होती थी, तो वो जो पीछे सीट के ऊपर डंडी सी निकल पर गद्दी लगी होती है जो सर को सपोर्ट करती है, तो शुरू शुरू के एक्शन में जब पीछे से गाड़ी मारती थी तो बंदे की गर्दन किधर को मूव करती थी, फौरन इनर्शिया की वजह से बॉडी आगे चली जाती थी, गर्दन पीछे, तो गर्दन क्रैक हो जाती थी,
ये जो गर्दन के अंदर हड्डी है ना, ये टूट जाती थी, समझ आ गया, गर्दन में फ्रैक्चर आ जाता था। उन्होंने फिर क्या किया, उन्होंने कहा पीछे ये एक टेक बनाओ, अगर पीछे से चोट लगती भी है तो ये गर्दन भी आगे मुंह करके ताकि टूट ना जाए यहां से। क्लियर हुआ नहीं हुआ? फिर सीट बेल्ट क्यों निकाले गए? अब गाड़ी अगर टकरा रही है किसी चीज के साथ तो गाड़ी फौरन रुक जाएगी। जिन लोगों ने सीट बेल्ट नहीं पहने होते ना, उनकी बॉडी निकलती है, शीशे से टकराती है और बाहर निकल जाती है। और अगर गाड़ी काफी रफ्तार से चल रही हो तो जनाब फिर 50-60 मीटर तो फजूल में ही लाश जो है वो तय कर ही जाएगी। नहीं समझ आए? पहले वो शीशे टकरा के शीशा टूट के बाहर निकल जाती है, समझ आया नहीं यार? और अगर गाड़ी अच्छी खासी रफ्तार के साथ चल रही हो ना तो बल्ले की बॉडी अच्छी खासी ऊपर जाती है बॉल की तरफ, समझ आया कि नहीं आया? सो देयरफॉर सीट बेल्ट क्या करता है, सीट बेल्ट आपकी बॉडी को महफूज रखता है, बॉडी को बाहर नहीं जाने देता, पकड़ लेता है, समझ आया नहीं है? और जैसे सीट बेल्ट खींचता है आपके हैंडल के ऊपर जो गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील है उसके ऊपर क्या होता है, एयर बॉक्स होता है, जैसे थोड़ा सा ज्यादा खींचे ना तो वो फौरन से बाहर आया था। अब आपका मुंह जब उस एयर बैग पे लगता है तो क्या होता है, मुंह को रुकने में थोड़ा टाइम लगता है, इस तरह दांतों की बचत भी हो जाती है, स्टीयरिंग व्हील के ऊपर दांत नहीं टकराते, चेहरे की इंजरीज भी नहीं आती, समझ आया नहीं? हैंडल के बिल्कुल जहां हार ना वहां से वो निकलता है और मुंह के ऊपर आगे मुंह को कवर करता है, जैसे कुशन नहीं होता कुशन, तो अब आप कहीं गिरने लगे वो मुंह के सामने कुशन आ जाए तो मुंह नहीं टूटेगा आपका, बचत हो जाएगी। और अगर डायरेक्ट सामने के आ जाए, दीवार आ जाए, तो फिर बेटा रुकने का टाइम बहुत कम होगा तो दांत टूट जाएंगे। क्लियर हो गया प्रॉब्लम किसी को? तो ये आपको बताया जा रहा कि ऐसा क्यों होता है, हम सख्त चीजों के साथ टकराते हैं तो चोट ज्यादा लगती है, और जब हम सॉफ्ट ऑब्जेक्ट के साथ टकराते हैं तो चोट कम लगती है। तो वो उनका रिएक्शन होता है ना, तो जब एक सरफेस आपको रोकने में ज्यादा वक्त लेती है तो फिर आगे से रिएक्शन कम होता है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ। टाइम असल में अगर टाइम टू स्टॉप क्या कम है तो फोर्स ज्यादा लगेगी, अगर टाइम टू स्टॉप क्या ज्यादा है फोर्स कम लगेगी। और टाइम टू स्टॉप कब कम होता है, जब बॉडी सॉलिड होती है, दबती नहीं है, तो फिर चोट ज्यादा लगती है, वो आगे से ज्यादा रिएक्शन करती है आपको रोकने के लिए, दबती तो है नहीं वो। और जब बॉडी सॉफ्ट होती है तो वो अपने आप को दबाकर आपको रोकने का टाइम बढ़ा लेती है, और उससे फोर्स क्या लगती है, कम लगती है। तो ये क्वेश्चन आपके पेपर में आपसे पूछे जा सकते हैं कि वन वी फॉल ऑन द सैंड फ्रॉम ए रूफ और वन वी जंप ऑन द सैंड फ्रॉम ए रूफ, तो वी फील स्मॉल फोर्स, हम पे जो फोर्स लगती है वो क्या लगती है, कम लगती है। एंड व्हेन वी जंप ऑन द फ्लोर तो वी फील लार्ज फोर्स, ह्यूज फोर्स। तो व्हाई दिस हैपेंस, तो क्या जवाब दोगे, बिकॉज सैंड टेक्स मोर टाइम टू स्टॉप द बॉडी, अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन द फोर्स विल बी स्मॉलर, समझ आया? एंड व्हेन वी जंप ऑन द फ्लोर इट टेक्स वेरी वेरी स्मॉल टाइम टू स्टॉप द बॉडी, सो देन द फोर्स इज अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन द फोर्स इज वेरी वेरी लार्ज, फोर्स क्या होती है फिर ज्यादा होती है, तो उसका नतीजा ये निकलता है कि हमें फिर चोट ज्यादा लगती है। क्लियर हुआ? अब कुछ इसके एप्लीकेशन ये भी हैं, फ्रेजाइल ऑब्जेक्ट, फ्रेजाइल का मतलब होता है नाजक, ये जिसम जो है सच्चा ग्लास वेयर्स, शीशे के बर्तन होते हैं एटसेट्रा, आर पैक्ड विद सूटेबल मटीरियल सच एज स्टायरोफोम रिंग्स। स्टायरोफोम का पता है नहीं पता? वो छोटी छोटी गोलियां सी होती है, उसके अंदर से निकलती है एक सफेद कलर की एक शीट होती है बड़ी नरम सी, जब खास तौर पर आप फ्रीजर लेके आते हैं तो उसके अंदर से निकलती है और डोल की तरह बजती है डक डक।
छोटे छोटे नहीं ये इस तरह की इस टाइप की, उसमें आप चीजों को पैक करते हो। गद्दा नहीं होता, गद्दा नहीं होता, वो शॉपर भी नहीं होती। अच्छा आजकल पता क्या करते हैं, जो आपका पॉलिथीन का बैग है उसमें छोटी छोटी हवा की थैलियां होती है, उन्हें बच्चे दबा दबा के पिटिक पिटिक कर लेते हैं, है ना, उसमें हवा भरी हुई होती है। ये देखो तो वो बाइक पे है, लेकिन बच्चे खासतौर पर जब आप डीप फ्रीजर लेके आते हैं तो उसके अंदर से एक व्हाइट कलर की शीट निकलती है मोटी सी, ठीक है, तो वो होती नरम सी है, फोम टाइप लाइक चीज होती है, बच्चे उससे खेलते हैं, सफेद सफेद कलर की उससे ना गोल गोल, तो वो उसको स्टायरोफोम रिंग्स कह रहे हैं, ठीक है, स्टायरोफोम रिंग्स बॉल्स या पॉलिथीन शीट्स। पॉलिथीन शीट्स क्या है, आपके जो आम मोमी शापर नहीं, इसको पॉलिथीन शीट्स कहते हैं, विद एयर सैक्स, लेकिन ऐसी पॉलिथीन शीट जिनके अंदर हवा की थैलियां होती है, समझ आया। तो ये अब आपको बता रहे हैं कि जो आपके फ्रिजाइल ऑब्जेक्ट्स हैं, जो आपके नाजक इजसाम हैं, जैसे कि ग्लास वेयर्स हैं, शीशे के बने हुए बर्तन, उनको पैक किया जाता है, पैक विद द मटेरियल सच एज स्टायरोफोम रिंग्स एंड बॉल्स, पॉलिथीन शीट्स विद एयर सैक्स। सैक्स किसे कहते हैं, थैलियां, एस ए सी के एस, सैक्स क्या बेटा, थैलियां, थैलियां छोटी छोटी हवा की उसमें गोल गोल थैलियां होती है, ठीक है। तो एयर इनक्लोज्ड इन द कैविटीज ऑफ दीज मटेरियल्स, अब इन मटेरियल्स के अंदर क्या होता है, खला होती है, खाली जगह होती है, और इसके अंदर क्या होती है, हवा होती है, क्या होती है, हवा। तो एयर इनक्लोज्ड इन द कैविटीज, उन खाली जगहों में जो हवा बंद होती है ना, जैसे गुब्बारे में हवा डली तो आप उसको दबाएं तो क्या होता है, हवा नहीं निकलेगी, दबती है हवा, ऐसा ही है ना, जैसे आप रबड़ को दबाते हैं, दब के फिर वापस आ जाती है लाइक दिस, ऐसा है ही नहीं है, क्लियर हो रहा है, नहीं हो रहा वो। आजकल तो एक ऐसा बैलून मिल रहा है कि उसमें हवा भर के बंदा उसके ऊपर भी बैठे तो नहीं पड़ता, ठीक है, वो आजकल वो लड़कियां खासतौर पर एक्सरसाइज में यूज कर रही होती है, नहीं समझ आया, वो जिसका कहते हैं पेट से निकला हुआ हो, ठीक है, वजन बढ़ गया हो, तो उस गुब्बारे को बैठ के ऐसे ऐसे झूले ले रहे होते हैं, दे आर डूइंग एक्सरसाइज, तो वो गुब्बारा जो अब उसके ऊपर अगर आप गिर जाए तो आपको कुछ चोट लगेगी, बिल्कुल नहीं। सिमिलरली जो एयर बैग्स होते हैं कार्स के अंदर, सुन लो बेटा ये बातें मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ये चीजें हो रही हैं, दीज आर द फैक्ट्स, और आप सब जानते हैं, अब ये अच्छा या बुरा आपको बताना, बट आई एम टीचिंग यू द फिजिक्स, सो देयरफॉर वहां फिजिक्स अप्लाई हो रही है, आई हैव टू टेल यू, मुझे बताना पड़ेगा, सो गौर से सुन लें। नेक्स्ट का चीज है, जो एयर बैग्स होते हैं ना आपकी गाड़ियों के अंदर, और वो आपको आपके फेस को इंजरी से बचाते हैं, ठीक है, दे एक्ट लाइक कुशन, उनके अंदर एयर होती है, ठीक है, और वो किसके तौर पे काम, कुशन के तौर पे काम करते हैं, आपका चेहरा जाकर टकराता है तो आपके चेहरे को स्टीयरिंग व्हील तक वो पहुंचने नहीं देता, उसमें जो हवा होती है वो दबती है और आपके चेहरे को रोकती है और फिर वापस ले आती है, समझ आया ना, जैसे रूई के ऊपर आपका चेहरा जो है वो टकराए तो वापस आ जाता है, चोट नहीं लगती, समझ आया नहीं। अगर तकिया जो है ये सीमेंट के होते तो कोई तकिया आपके साथ में मारता फिर क्या होता, अब वही तकिया रूई का होता है, साथ में मारे कुछ भी नहीं होता, ऐसे ही है ना, so same thing। अब यहां पे जरा बच्चे सुनना, वो जो हवा की थैलियां होती है ना, थैलियां पॉलिथीन की, पॉलिथीन का प्लास्टिक है, तो पॉलिथीन की जो शीट्स है उनके अंदर जो सैक्स के अंदर एयर इनक्लोज्ड है, एयर इनक्लोज्ड इन द कैविटीज ऑफ दीज मटेरियल्स, इन मदाजात के अंदर जो खाली जगहों में हवा बंद होती है, मेक्स देम फ्लेक्सिबल एंड सॉफ्ट, वो हवा इनको एक तो लचकदार बना देती है और दूसरा नरम बना देती है। ड्यूरिंग एनी मिसहैप, अगर आप और से सुनना, यहां से जवाब आ रहा है, ये है जवाब, ड्यूरिंग एनी मिसहैप, कोई हादसा हो गया, अचानक कोई टक्कर हो गई, ठीक है, कोई एक्सीडेंट हो गई है, तो जैसे आपकी गाड़ी जा रही है, आगे कोई चीज आ गई तो टकरा के गाड़ी रुकेगी ना, तो एनी सॉर्ट ऑफ मिसहैप में जब अचानक आपकी मूविंग बॉडी रुकेगी तो क्या होगा, दे इंक्रीज द टाइम, दे इंक्रीज द
आप इंपैक्ट या इंक्रीज द इंपैक्ट टाइम। ये जो आपका फ्रेजाइल ऑब्जेक्ट होता है ना, जब वो किसी चीज के साथ टकराता है ना, जो हवा की तैयारी होती है वो करती डरती है, तो उसके टकराने के वक्त को बढ़ा देती है, उसकी टक्कर काफी देर तक रहती, वो दूसरी बॉडी के साथ काफी देर तक जुड़ा रहता है, और दूसरी बॉडी की होती है डिफॉर्म होती है। इस तरह जो उसकी टक्कर का वक्त होता है वो बढ़ जाता है, और जब टाइम ऑफ इंपैक्ट ज्यादा होगा तो टाइम टू रिड्यूस द वेलोसिटी, वेलोसिटी को रिड्यूस करने में जो टाइम होगा वो बढ़ जाएगा। जब टाइम बढ़ेगा तो अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन डेल्टा पी बाय, जब टाइम बढ़ेगा तो जो फोर्स होगी डेल्टा पी बाय टी की जो वैल्यू होगी वो बेटा क्या आएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर जितना बड़ा होगा फ्रैक्शन की वैल्यू उतनी ही, तो फोर्स जो है जो उस इंपैक्ट के दौरान उन फ्रेजाइल ऑब्जेक्ट्स के ऊपर फोर्स लगेगी वो क्या होगी, कम होगी, उसके नतीजे में वो ऑब्जेक्ट टूटेंगे नहीं। समझ आ रही है या नहीं आ रही? सो एयर इनक्लोज्ड इन द कैविटीज ऑफ दीज मटेरियल्स मेक्स देम फ्लेक्सिबल एंड सॉफ्ट ड्यूरिंग एनी मिसहैप। ये जो एयर होती है इन मटेरियल्स की कैविटीज के अंदर वो क्या करती है, द इंपैक्ट टाइम, जो टक्कर का टाइम है ना उसको बढ़ा देती है। आप फर्श पे छलांग मारते हैं तो आपकी टक्कर कितनी देर के लिए, थोड़ी सी देर के लिए होती है, और जब आप रेत पे छलांग मारते हैं तो रेत आपके साथ आपकी टक्कर काफी नीचे तक जाती है, काफी देर तक आपकी टक्कर, आपका इंपैक्ट टाइम काफी ज्यादा होता है। लेकिन फर्श के साथ, फर्श कहता है लंबी ना ला रुख, और समझ आया आप इस पे बड़े खुश हुए, अपनी जुबान में थी बात भी समझ आ गई, पका सारे जाने की लंबी ना लाख, पता है ना। जब आप रेत पे गिरते हैं तो रेत पे लंबी लगा देती है आपके साथ, आपको काफी देर तक रोकती है, रोकने का मतलब वो आपके साथ काफी देर तक इंपैक्ट में रहती है, टकराव में रहती है, और आहिस्ता आहिस्ता रोकती है, जल्दी नहीं रोकती। समझ आया? तो यहां पर यह कहता है ड्यूरिंग एनी मिसहैप These materials increase the impact time. ये टक्कर का टाइम बढ़ा देते हैं ऑन फ्रेजाइल ऑब्जेक्ट्स, जो आपके नाजुक इजसाम है उन पर, एंड इंक्रीज इन इंपैक्ट टाइम। इंपैक्ट टाइम में जो इजाफा होता है ना, ठीक है बच्चे, जो इंपैक्ट टाइम में इजाफा होता है ना, लोअर द रेट ऑफ चेंज ऑफ, तो वो इस फ्रैक्शन की वैल्यू को क्या कर देगा, कम कर देगा, कि डेल्टा पी बाई टी की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, कम आएगी। समझ आया नहीं? और ये डेल्टा पी बाई टी किसके बराबर है, तो फोर्स है, तो फोर्स भी कम आएगी। दोबारा सोच रहे थे कितना मजेदार अंदाज स्टेप बाय स्टेप आंसर दे रहा, कि ड्यूरिंग एनी मिसहैप दिस मटेरियल्स इंक्रीज द टाइम ऑफ इंपैक्ट या इंपैक्ट टाइम ऑन द फ्रेजाइल ऑब्जेक्ट्स। The increase in impact time lowers the rate of change of momentum. Rate कम हो जाएगा, चीजें सस्ती हो जाएंगी ना, है ना, तो फोर्स सस्ती हो जाएगा मतलब कम पैसों में मिल जाएंगी। जब टाइम ऑफ इंपैक्ट का कम हो जाएगा तो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम वो भी क्या हो जाएगा, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम तो फोर्स होता है, तो जो फोर्स लगेगी उन फ्रेजाइल ऑब्जेक्ट्स पे वो भी क्या हो जाएगी। यही तो आपको समझा रहा हूं इतनी देर का, समझ नहीं रहे? जो उन पर चोट लगेगी, यहां पे फोर्स को हम चोट कह रहे हैं, तो जो चोट होगी वो कम लगेगी। देन इंक्रीज इन द इंपैक्ट टाइम लोअर्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम एंड हेंस लेसन्स, लेसन्स का मतलब होता है रिड्यूस कर देने, क्या सब वो एल ई डबल एस ओ एन, ये एल ई डबल एस ई एन, यहां लेसन्स का मतलब क्या, कम कर देना, रिड्यूस कर देना, डिक्रीज कर देना। तो अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की वैल्यू कम हो जाएगी तो उससे क्या होगा, क्या होगा, लेसन्स द इंपैक्ट ऑफ फोर्स, तो जो फोर्स का असर होगा, नहीं समझा, वो भी कम होगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम में जो कमी आ रही है वो इन रिजल्ट किस में कमी ले आएगी, इट विल लेसन द इंपैक्ट ऑफ फोर्स,
उससे फोर्स के असर में जो आपको चोट लगती है, इंजरी आती है ना, वो फोर्स का असर होता है। नहीं समझ आया? वो जो आपकी शेप डिफॉर्म होती है ना, वो तीसरी बार आ जाती है, वो इंपैक्ट ऑफ फोर्स होता है। तो जब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कम होगा तो इंपैक्ट ऑफ फोर्स क्या आएगा? कम आएगा। समझ आया नहीं यार? जो चेंज इन शेप आएगा वो कम होगा, वरना शेप बिगड़ जाएगी। आगे चले। दिस लोअर्स द पॉसिबल डैमेजेस ड्यू टू एन एक्सीडेंट। तो ये फिर क्या करता है? कम कर देता है। बच्चा सुन सुन, दिस लोअर्स, ये कम कर देता है द पॉसिबल डैमेज जो मुमकिन नुकसान होता है। डैमेज नुकसान को कहते हैं ड्यू टू एन एक्सीडेंट। समझ आया नहीं यार? तो हर जगह पे आपकी फिजिक्स अप्लाई हो रही है और आपके सामने इक्वेशन कि जब टाइम ऑफ इंपैक्ट क्या होगा? ज्यादा होगा, तो फोर्स का असर कम होगा। और अगर टाइम ऑफ इंपैक्ट क्या होगा? कम होगा, तो फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ज्यादा होगा। ज्यादा रेट होगा तो फिर फोर्स का इंपैक्ट भी क्या होगा? ज्यादा होगा। समझ आ रहा है? फोर्स ज्यादा होगी तो इंपैक्ट भी ज्यादा होगा, और दिस विल इंक्रीज द पॉसिबल डैमेजेस। इससे क्या होगा? जो डैमेज होगा वो भी ज्यादा होगा। समझ आया नहीं यार? आजकल की जो नई गाड़ियां आ रही हैं, उनके अंदर जो उनके दरवाजे हैं, उनके अंदर भी वो काफी कहते हैं कि हल्की गाड़ियां। बात समझ आई नहीं? जो पुरानी गाड़ियां वो वजनी होती हैं। समझ आया नहीं यार? लेकिन जो आजकल नई गाड़ियां आ रही हैं वो हैं हल्की, लेकिन वो हमारे लिए सेफ है, ज्यादा सेफ है। वो कैसे? क्योंकि जब एक्सीडेंट होता है ना, तो ड्यूरिंग द एक्सीडेंट कार की सारी बॉडी फिस जाती है। तो कार की बॉडी जब फिसती है, समझ आया? क्लियर हुआ? तो जो कैविटी होती है वो खत्म हो जाती है, तो वो दूसरी गाड़ी हम तक पहुंचते पहुंचते क्या हो चुकी होती है? मैक्सिमम फोर्स क्या हो चुकी होती है? इंपैक्ट टाइम बढ़ जाता है ना। इंपैक्ट टाइम बढ़ेगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो जो हम पे फोर्स का इंपैक्ट होगा वो भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। समझ आया नहीं यार? तो इस कॉन्सेप्ट को, आइडिया को यूज करके आजकल जो गाड़ियों की बॉडीज बनाई जा रही हैं, वो ऐसे मटेरियल से बनाई जो जो सॉफ्ट हो। क्लियर हुआ? बाहर से तो ठीक है, उन्होंने लोहे की शील्ड लगाई होती है, अंदर जो उसके मटेरियल होता है वो काफी सॉफ्ट मटेरियल होता है। क्लियर हुआ? सो नेक्स्ट क्या जी? यूजुअल इंफॉर्मेशन इन एन एक्सीडेंट एट हाई स्पीड। जब एक एक्सीडेंट होता है किस पर? बहुत तेज रफ्तार से, तो द इंपैक्ट फोर्स जो टकराव की कुवत होती है, टकराव की कुवत जब टक्कर होगी तो दोनों बॉडी एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे ना, एक्शन और रिएक्शन। तो जो इंपैक्ट फोर्स होती है, जो टकराव की कुवत होती है, इज वेरी लार्ज, वो बहुत ज्यादा होती है ड्यू टू द एक्सट्रीमली शॉर्ट स्टॉपिंग टाइम। इस बात पे जरा गौर करो, दोबारा पढ़ो इसको। इन एन एक्सीडेंट एट हाई स्पीड द इंपैक्ट फोर्स इज वेरी लार्ज। तो आप सोचें लार्ज क्यों होती है? उन्होंने आगे रीजन दे दिया, ड्यू टू द एक्सट्रीमली शॉर्ट स्टॉपिंग टाइम। क्योंकि जब एक्सीडेंट होता है तो गाड़ियां नैनो सेकंड्स में दबाव होती है। अब ये नहीं है गाड़ी की टक्कर लगी यहां लगी और कश्मीर में जाकर रुकी, ऑन द स्पॉट सारा कुछ हो जाता है। और ऐसे इधर टक्कर हुई उधर दोनों गाड़ियां रुक गई, होता नहीं उधर? तो जो इंपैक्ट फोर्स होती है एक्सीडेंट में, टक्कर के दौरान जो फोर्स होती है वो इतनी ज्यादा क्यों होती है? होती है वो बहुत ज्यादा फोर्स होती है, फोर्स बहुत, गाड़ियां टकराई और फौरन रुक गई। अब दोनों की बॉडी लोहे की बनी है, कोई सॉफ्ट मटेरियल की थोड़ी है। नहीं समझ आया? तो जो इंपैक्ट फोर्स होती है वो बहुत ज्यादा होती है। क्यों होती है? ड्यू टू एक्सट्रीमली शॉर्ट स्टॉपिंग टाइम। दोनों गाड़ियों में बहुत जबरदस्त फोर्स लगती है। क्लियर हुआ नहीं हुआ?
अब बंदा आपसे सवाल पूछे ऐसा क्यों होता है, अब आप किसी को समझा रहे हो कि जब एक्सीडेंट होता है तो दोनों गाड़ियों पे बहुत जबरदस्त किस्म की बोझ लगती है, बहुत ज्यादा बोझ लगती है, कोई सवाल पूछ ले वो क्यों? एक बॉडी टकराती है एक्शन, दूसरी टकराती है दूसरी रिएक्शन करती है, और दोनों फोर्सेस बराबर होती हैं और काफी ज्यादा होती है। उसकी वजह क्या कि दोनों बॉडी जो कार्स हैं जो आपकी व्हीकल्स हैं उनकी बॉडी किसकी बनी है, लोहे की। जैसे टकराती है अब सॉलिड सर्फेसिस तो ऐसे रुकती है ना, तो जो कार्स हैं उनकी बॉडीज के सॉलिड होने की वजह से जो उनका स्टॉपिंग टाइम है बहुत कम होता है, जो टाइम ऑफ इंपैक्ट है बहुत कम होता है, जिसकी वजह से रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है बहुत ज्यादा होता है, और उसकी वजह से फोर्स का इंपैक्ट भी क्या होता है फिर ये लिखा हुआ इन एन एक्सीडेंट एट हाई स्पीड द इंपैक्ट ऑफ फोर्स, जो फोर्स का हाँ जो इंपैक्ट फोर्स होती है वो बहुत ज्यादा होती है, इट इज वेरी वेरी लार्ज ड्यू टू द एक्सट्रीमली शॉर्ट स्टॉपिंग टाइम फॉर सेफ्टी पर्पस, किसके लिए? हिफाजती मकासिद के लिए। व्हीकल्स हैव रिजिड केजेस, हिफाजती मकासिद के लिए जो आपकी गाड़ी है दे हैव रिजिड, रिजिड का मतलब होता है गैर लचकदार, कटर सख्त, तो ये आपसे ये कह रहे हैं। लेकिन ये जो केजेस होते हैं, अच्छा केज क्या होता है, केज इसको पिंजरा कहते हैं, केज को खाली जगह भी कहते हैं, ठीक है। अब देखिए कार के पीछे डिक्की होती है वो भी एक केज है, ये अब आपको समझा रहे हैं कि आगे पीछे कार के जो ये जो लंबूतरी होती है कार आगे से पीछे भी लंबूतरी होती है क्यों होती है, सुन लो। तो फर्स्ट सेफ्टी आप कहते हैं नहीं डिजाइन है ना, लेकिन फॉर सेफ्टी पर्पजेस हिफाजती मकासद के लिए व्हीकल्स हैव रिजिड केजेस, गाड़ियों के अंदर सख्त किस्म के खला या पिंजरे होते हैं आगे और रिजिड केजेस फॉर पैसेंजर्स, किन के लिए? विद क्रम्पल जोन्स एट दियर फ्रंट एंड रियर एंड, मजे की बात सुन लो, जिस जगह पे आप बैठ रहे हो ना ये उसको केज कह रहे हैं, ये उसको केज कह रहे हैं, जिस रीजन में आप बैठते हो ना बस के अंदर जहां आप सफर करते हो ये उसको केज कह रहे हैं, असल पिंजरा तो वही है जहां पे पैसेंजर्स बैठते हैं, ठीक है। तो उनके पीछे और आगे, गाड़ी के पीछे भी डिग्गी है और आगे भी क्या है इंजन की जगह, इन्हें क्रम्पल जोन्स कह रहे हैं। क्रम्पल, क्रम्पल्स क्या होते हैं? इस बात का यहां तक ये लबे लुबाब है कि गाड़ी के जिस हिस्से में पैसेंजर्स बैठे हुए होते हैं वो हिस्सा हार्ड मटेरियल का होता है, सख्त, ये रिजिड केजेस, जिसमें आप बैठे होंगे वो क्या होगा रिजिड केज होगा ये, और ये जो डिग्गी है और जो बोनट है ये क्या होते हैं, ये सॉफ्ट होते हैं, मेरी बात समझ आ रही नहीं आ रही? जिस जगह पे मुसाफरों की सीट्स होती हैं ऐसी होती है ना सीट्स, तो वो वाली जगह जो है ये वाला रीजन सख्त मटेरियल का होता है, ये वाला रीजन जिसमें मुसाफिर बैठे हुए होते हैं, लेकिन जो इसके आगे और पीछे है ये वाला रीजन जिसको आप बोनेट और इंजन वगैरह बोलते हैं ना, और पीछे जो है, तो बेटा फॉर सेफ्टी पर्पस हिफाजती मकासिद के लिए व्हीकल्स हैव रिजिड केजेस, उनके अंदर जो सांचा होता है जो केज होता है जो पिंजरा होता है वो सख्त मटेरियल का होता है, फॉर पैसेंजर्स, किसके लिए? क्योंकि जहां पे पैसेंजर अगर वो भी कोलैप कर जाएगा तो पैसेंजर्स की छिटनी बन जाएगी, उसको कोलैप नहीं होने देना, वो सख्त मटेरियल का बनाया जाता है विद क्रम्पल जोन्स, लेकिन इस केज के साथ क्या होते हैं क्रम्पल जोन्स होते हैं एट दियर फ्रंट उनके आगे एंड एट दियर रियर एंड्स, इनके आगे वाले सिरे पे और पीछे वाले सिरे पे
क्रम्पल जोन, जोन कहते हैं किसको, इलाके को। जोन कैसे कहते हैं, इलाके को, जगह को। और क्रम्पल का मतलब टुकड़े, रेजा रेजा। ये वो जोन होते हैं जो रेजा रेजा हो जाते हैं ड्यूरिंग द एक्सीडेंट, लेकिन केज को नुकसान कम होता है। ठीक है, तो ये उन्होंने पहले आपको पढ़ा दिया कि एक गाड़ी का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो फॉर सेफ्टी पर्पसेस व्हीकल्स हैव रिजिड केजेस फॉर पैसेंजर्स एंड विद क्रम्पल जोन्स एट देयर फ्रंट एंड रियर एंड्स। ओके, ड्यूरिंग एन एक्सीडेंट, एक एक्सीडेंट के दौरान क्या होता है, क्रम्पल जोन्स कोलैप्स। क्रम्पल जोन्स कोलैप्स का क्या मतलब है, टूट जाते हैं, तबाह हो जाते हैं, गिरची गिरची हो जाते हैं। दिस तो चाहे आगे से टक्कर हुई तो आगे वाला देखो मुंह टूट जाएगा जी। नहीं जी। ये चीज टूटेगी, इधर कुछ नहीं होता, पीछे टक्कर होगी ये चीज टूटेगी, समझ आया नहीं है। तो ड्यूरिंग एन एक्सीडेंट क्रम्पल जोन जो है पहले वो कोलैप्स करते हैं, वो टूटते हैं, वो पिसते हैं। तो उनके पिसने के दौरान जो इंपैक्ट टाइम होता है वो बढ़ जाता है, ऐसा ही है ना, वो टूटेंगे तो इंपैक्ट टाइम बढ़ेगा, समझ आया। दोबारा सुनो, ड्यूरिंग एन एक्सीडेंट क्रम्पल जोन कोलैप्स, दिस इंक्रीजेस द इंपैक्ट टाइम बाय प्रोवाइडिंग एक्स्ट्रा टाइम। पहले क्रम्पल जोन टूटेगा और फिर आप तक बात आएगी। तो क्रम्पल जोन की जो कोलैपिंग है, जो उनका कोलैप्स करना है, सुन रहे हो, वो इंपैक्ट टाइम को बढ़ा रही है। कैसे, खुद को क्रैक करके, खुद को क्रम्पल करके। सो दिस इंक्रीज द इंपैक्ट टाइम बाय प्रोवाइडिंग एक्स्ट्रा टाइम फॉर क्रम्पलिंग। तो क्रम्पलिंग की वजह से जो इंपैक्ट टाइम है वो इंक्रीज हो जाता है। थस क्या होगा, द इंपैक्ट फोर्स, द इंपैक्ट ऑफ फोर्स इज हाईली रिड्यूस्ड एंड सेव्स द पैसेंजर्स फ्रॉम सेवियर इंजरीज। और इसका जो आपके पैसेंजर्स, जो आपके मुसाफिर है, सेव्स, ये उनको बचाता है किससे, फ्रॉम से सेवियर शदीद किस्म की इंजरीज, जख्मों से। तो शुरू कैसे किया था, तीन बातें हमने डिस्कस की है। पहले हमने डिस्कस किया एन एक्सीडेंट एट हाई स्पीड द इंपैक्ट फोर्स इज वेरी लार्ज ड्यू टू द एक्सट्रीमली शॉर्ट स्टॉपिंग टाइम, ड्यू टू द एक्सट्रीमली शॉर्ट इंपैक्ट टाइम भी कह सकते हो। ठीक है, हमने इंपैक्ट टाइम को कैसे इंक्रीज किया, क्रम्पलिंग जोन बना के। तो फिर कहता है फॉर द सेफ्टी पर्पसेस व्हीकल्स हैव रिजिड केजेस फॉर द पैसेंजर्स एंड विद क्रम्पल जोन्स एट दियर फ्रंट एंड रियर एंड्स। अब नीचे वो बात, ड्यूरिंग एन एक्सीडेंट क्रम्पल जोन्स कोलैप्स, दिस इंक्रीजेस द इंपैक्ट टाइम बाय प्रोवाइडिंग एक्स्ट्रा टाइम फॉर क्रम्पलिंग। दिस द इंपैक्ट ऑफ फोर्स इज हाईली रिड्यूस्ड and saves due to the increase in impact time, the impact of force is highly reduced, increased crumpling time jo hai ya impact time jo hai uske baad rate of change momentum kya ho jayega, reduce ho jayega, so this reduces the impact of force and saves the passengers from severe injuries. to ye jo aapke passengers hain, musafir hain, unko khatarnak kism ki ya shadid kism ke jo zakhm hai unse bachata hai, problem kisi ko। अब बेटा सीट बेल्ट के बारे में आपको बताया जाएगा। तो इन केस ऑफ एन एक्सीडेंट ए पर्सन नॉट वेयरिंग सीट बेल्ट विल कंटिन्यू मूविंग। किसकी वजह से, एक्सीडेंट में गाड़ी रुक जाएगी और बंदा आगे, क्यों, किस वजह से बंदा आगे मूव करता रहेगा, बिकॉज ऑफ, बोलो उसी इनर्शिया की वजह से, किसकी वजह से, इनर्शिया। ठीक है बच्चे, समझ आया, गाड़ी टक्कर की वजह से रुकी लेकिन बंदा आगे जा, क्लियर हुआ ना, और जाकर स्क्रीन के साथ टकरा। तो इन केस ऑफ एक्सीडेंट ए पर्सन नॉट वेयरिंग द सीट बेल्ट
will continue moving because of his inertia until stopped suddenly by something before him. और तब तक मूव करता रहेगा जब तक, फिर सुन लो, इन केस ऑफ एन एक्सीडेंट, केस का मतलब है हालत, हालत, तो इन केस ऑफ एन एक्सीडेंट एक 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 हादसे की शक्ल में या हालत में, ए पर्सन, एक शख्स, नॉट वेयरिंग सील्ड बेल्ट, जिसने सील्ड बेल्ट ना पहना हो, विल कंटिन्यू, वो जारी रखेगा मूविंग, हरकत करना अंटिल, यहां तक के स्टॉप, उसे रोक दिया जाए सडनली या रुक जाए सडनली, अचानक या फौरन, बाय समथिंग बिफोर हिम, किसी चीज से जो उसके सामने आ जाए। तो पहले तो कार का शीशा ही आएगा सामने, नहीं, या स्टीयरिंग व्हील आएगा। तो दिस समथिंग मे बी ए विंडो स्क्रीन, आप समझ आ, ये समथिंग है जिससे वो रुकेगा, वो या तो विंडो स्क्रीन क्या होती है, हाँ समझ आ, और अनदर पैसेंजर, आगे कोई पैसेंजर भी हो सकता है, और बैक ऑफ ए सीट, या आगे किसी की सीट भी हो सकती है, समझ आया नहीं यार, इन फ्रंट ऑफ, ठीक है, हिम आर हर, द सीट बेल्ट आर यूजफुल, सीट बेल्ट क्या होते हैं, यूजफुल, अब पता नहीं मीनिंग इसका, इस्तेमाल नहीं है, इस्तेमाल यूजफुल का मतलब फायदेमंद, सूदमंद, आपको तो अंग्रेजी के मीनिंग ही सही नहीं होते, पढ़ लिया करो थोड़ा, तो सीट बेल्ट आर यूजफुल, सीट बेल्ट बड़े ही फायदेमंद है, इन टू वेज, दो दो तरीकों से, दो तरीकों से सीट बेल्ट बड़े फायदेमंद, नंबर वन, तो ये बेनिफिट्स आर एडवांटेजेस ऑफ सीट बेल्ट, ठीक है, तो ये दे प्रोवाइड एन एक्सटर्नल फोर्स, ये क्या करते हैं, ये फ्राहम करते हैं, एन एक्सटर्नल फोर्स, एक बैरूनी कुवत, बाहर से, देखा ना, बाहर से फोर्स लगेगी जो आपको रोकेगी, टू ए पर्सन वेयरिंग सील्ड बेल्ट, उस शख्स को जिसने सील्ड बेल्ट रुकने के लिए, समझ आया, द एडिशनल टाइम, और दूसरी बात, आप ऐसे कह दें जैसे आपने ये पढ़ा था ना, देर से शुरू कर लें, यहां से देर से मुराद सीट बेल्ट होंगे, सीट बेल्ट इंक्रीज द इंपैक्ट टाइम, ठीक है, समझ आया, यही चीज यहां कहेंगे, ये देखें, द एडिशनल टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर स्ट्रेचिंग सीट बेल्ट, ऐसे ही है, जब एक एक्सीडेंट होता है, टक्कर होती है, तो बंदा किधर को मुंह खींचता, आगे को, तो सीट बेल्ट खींचता है ना, तो इसको एडिशनल टाइम चाहिए होता है, इसको कुछ ज्यादा टाइम चाहिए होता है, इजाफी टाइम चाहिए होता है फॉर स्ट्रेचिंग, खींचने के लिए, ठीक है, तो ये जो एक्स्ट्रा टाइम उसको खींचने के लिए चाहिए होता है, वो प्रोलोंग कर देता है, वो क्या कर देता है, प्रोलोंग का क्या मतलब होता है, लंबा कर देना, बढ़ा देना, द स्टॉपिंग टाइम, वही इंपैक्ट टाइम, इंपैक्ट टाइम को ही बढ़ा देता है, समझ आया नहीं यार, ठीक है, तो दिस प्रोलॉन्ग द स्टॉपिंग टाइम, ये जो रुकने का वक्त है उसको बढ़ा देता है, फॉर मोमेंटम टू चेंज, के लिए मोमेंटम की तब्दीली, ठीक है, के लिए, एंड रिड्यूसेस द इफेक्ट ऑफ कोलिजन, ये रिड्यूसेस द इंपैक्ट ऑफ फोर्स, और क्या कर देता है, जो टक्कर का असर है या जो इंपैक्ट फोर्स है, ठीक है, इंपैक्ट ऑफ फोर्स है, उसको क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है, तो उससे जो डैमेजेस होते हैं वो क्या हो जाते हैं, दिस सेव्स द पैसेंजर फ्रॉम सीरियस इंजरीज, इसका जवाब बेटा, एक तो ये जो लिखा हुआ ये याद कर लो, रटा मार लो, दूसरा ये है, पहला तो ये है कि सीट बेल्ट आर यूजफुल इन टू वेज, नंबर वन, दे प्रोवाइड एन एक्सटर्नल फोर्स टू ए पर्सन वेयरिंग द सीट, नंबर टू,
seat belts increase what the impact time, ठीक है, on objects क्या है, on passengers क्या है, ठीक है, या आप passenger क्या है, and increase in the impact time lowers the rate of change of momentum and hence lessens the impact of force. This lowers the possible damages due to accident. Plus, फ्रिजाइल डाल के वहां पे पैसेंजर डाल दे, बाकी यही डाल दे दूसरे की जगह पे, नो इश्यू. या अगर आपने वही डाल तो यही डाल कि एडिशनल टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर द स्ट्रेचिंग ऑफ सीट बेल्ट. सीट बेल्ट के खींचने के लिए कुछ एक्स्ट्रा टाइम चाहिए होता है. दिस प्रोलॉन्ग्स द स्टॉपिंग टाइम, ठीक है, फॉर द मोमेंटम टू चेंज एंड रिड्यूसेस द इफेक्ट ऑफ कोलिजन. और इससे जो टक्कर का असर होता है वो कम हो जाता है. डेल्टा पी बाई टी की वैल्यू कम हो जाएगी तो फोर्स कम हो जाएगी. असल में जो 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 इफेक्ट ऑफ कोलिजन है वो फोर्स है, असल में तो भी कम हो जाएगी.